सुप्रभात बच्चों, मैं सीमा सिंह आपकी हिंदी टीचर। बच्चों, मैं पिछले क्लास में आपको चैप्टर 7 री की मात्रा पढ़कर सिखाई थी और मैं आपको री की मात्रा में री कहाँ कैसे लगाते हैं और शब्द लगाने के बाद कैसे बदल जाता है ये भी मैं एक एक को पढ़कर आपको बताई थी और समझाई भी थी। और आज मैं आपको सिखाऊंगी पढ़कर सुनाइए, यानी ये कविता, ये पोयम। तो आइए इस कविता को, पोयम को पढ़ने के पहले मैं इस चित्र के बारे में आपको कुछ बता देती हूँ। देखिए, ये कौन है? ऋषि। ये क्या है? घर। ये क्या है? हिरण, जिसको नृप भी बोलते हैं। ये क्या है? पेर। आप इसको तुरंत में पेर बोलोगे, लेकिन इसको वृक्ष भी बोलते हैं, ओके। ये क्या है? शिकारी, लेकिन इसको नृप भी बोलते हैं, ठीक है। ये घर है, लेकिन इसको गृह भी बोलते हैं, ठीक है। और ये क्या है? घास। आप इसको घास, ग्रास बोलोगे, लेकिन इसको नृप भी, इसको नृप नहीं, सॉरी, तृण भी बोलते हैं, ओके। तो चलिए, अब हम इसी लैंग्वेज में, जिसको दूसरे भाषा में अलग बोलते हैं, उस हिसाब से पढ़ते हैं। चलिए देखते हैं। ऋषि का हृदय उदार था। ऋषि, ऋषि कौन है? ये ऋषि का हृदय तो आपको पता है, दिल। उदार मतलब साफ सुथरा, उसके मन में कुछ गलत ना हो, उसको उदार बोलते हैं, ओके। तो ऋषि का हृदय उदार था, वह बड़ा कृपालु था। कृपालु का मतलब दया करने वाला, किसी के बारे में गलत नहीं सोचने वाला, उसका दिल साफ हो, ऐसा। वह बहुत बड़ा कृपालु था। एक मृग तृण चर रहा था। मृग, मृग कौन है? ये हिरण, जिसको मृग भी बोलते हैं। तृण, घास को, ठीक है। चर, चर का मतलब खा रहा था। तो एक हिरण घास खा रहा था, यानी एक मृग तृण चर रहा था। तभी नृप आ गया। तभी नृप कौन है? शिकारी। तभी नृप आ गया। ऋषि कह उठा, मृग मत पकड़। ऋषि, ये ऋषि बोलता है कि मृग मत पकड़, मतलब हिरण को मत पकड़ो। देखो यहाँ पे हाथ ऐसे करके इस शिकारी को, यानी कि नृप को बोलता है कि तुम मत पकड़ो इस हिरण को, छोड़ दो, ऐसा बोलता है। ऋषि कह उठा, मृग मत पकड़। मृग पर कृपा कर। मृग यानी कि इस हिरण पर कृपा करो, यानी दया करो। कौन बोलता है? ऋषि, कि मृग पर कृपा कर। नृप मातृभूमि की रक्षा कर। नृप शिकारी को बोलता है, शिकारी को नृप भी बोलते हैं। तो नृप बोलता है शिकारी को कि नृप मातृभूमि की रक्षा कर, तुम अपने पृथ्वी की रक्षा करो, अपनी मातृभूमि की, जन्मभूमि की रक्षा करो, इसे मत मारो। बोलता है कि हमारे पृथ्वी पर सभी जीव जंतु को रहने के लिए भगवान बनाए हैं, इसलिए सबको रहने दो, किसी पर अन्याय नहीं करो, किसी से, किसी को मारो नहीं, सबको अपने हिसाब से रहने दो, ऐसा समझा रहे हैं इसको कि तुम और सभी जितने भी जीव जंतु हैं वो सब हमारे मातृभूमि पे भगवान बनाए हैं, कि सबका हमारे लिए एक कुछ ना कुछ उपयोग है, सब हमारे लिए जरूरी हैं, सबका रहना हमारे भूमि पर, हम रहना जरूरी है, ये सब सिखा रहे हैं, समझा रहे हैं इस, किसको आप बोलो, इस शिकारी को, यानी कि नृप को, ठीक है। तो ये पोयम तो हम पढ़ के समझा दिए आपको, एक बार पढ़ देते हैं, ठीक है, रीड करते हैं। ऋषि का हृदय उदार था, वह बड़ा कृपालु था। एक मृग तृण चर रहा था। तभी नृप आ गया। ऋषि कह उठा, मृग मत पकड़। गृह, मृग पर कृपा कर। नृप मातृभूमि की रक्षा कर। ये पोयम आपको बहुत बार पढ़ना है,
आपको पढ़ना है और आपके नोटबुक में लिखना भी है आपको 2 टाइम, ओके। और नीचे में ये भी आपको आपके नोटबुक टेक्स्ट बुक में भर देना है, ठीक है। बाय।